हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के गुलाब जामुन। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि मैं इसे किस तरह से बनाती हूँ, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लिया है दूध। दूध हमें चाहिए 2 कप। 1 कप मैंने ली है सूजी, ब्रीक वाली सूजी है, रोस्टेड सूजी है, और 2 कप चाहिए हमें दूध। अगर 1 कप सूजी है तो 2 कप दूध चाहिए। और 1.5 कप मैं ले रही हूँ चीनी, शुगर सिरप बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने देसी घी का इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी जगह पर मैंने ली है ये बिल्कुल फ्रेश मलाई। 2 चम्मच के करीब मैंने मलाई ली है। और साथ में चाहिए हमें हरी इलायची का पाउडर अच्छा फ्लेवर देने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बनाएंगे हम सूजी के गुलाब जामुन। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है 1 बर्तन, उसमें डाल देंगे चीनी, और साथ में जितनी मैंने चीनी ली है उतना ही मैं डालूंगी इसमें पानी। तो पानी ऐड कर देते हैं इसमें, और गैस की फ्लेम ऑन करके चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। साथ के साथ इसे चलाते जाएंगे ताकि चीनी हमारी नीचे ना लगे और जल्दी से घुल भी जाए। तो लीजिए, चीनी तो अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब इसे हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाना है। ये देखिए, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमारी चाशनी पकते हुए। तो हमें इसे तार की तो नहीं बनाना चाशनी, हाँ थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए हमें, जो हमें चिपचिपी सी महसूस हो, तो वैसी हमें चाशनी चाहिए। तो चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 2 कप दूध, क्योंकि हमें सूजी का एक डो बनाकर तैयार करना है। तो 2 कप दूध हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब मैं डालूंगी इसमें, इसे पहले बॉयल आने देते हैं, बाद में डालेंगे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आ जाता है, ये देखिए बॉयल आ चुका है, और अब मैं डालूंगी इसमें सूजी। सूजी को थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे डालते हुए, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। फ्रेंड्स, अगर हम सूजी को रोस्ट ना भी करें तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि सूजी तो हमारी इसमें पक जाएगी, बाद में फ्राई करना है तब भी पक जाएगी। ये तो मैं घर पर इसे रोस्ट करके ही रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो सूजी रोस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सारी सूजी इसमें डाल देती हूँ, और ये बहुत जल्दी से दूध को सोख लेगी, और साथ में ही अब मैं डाल दूंगी इसमें हरी इलायची का पाउडर, ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ सके। और अब मैंने ऐड कर दी है मलाई। मलाई इसमें ऐड करने से ये बहुत ही सॉफ्ट सूजी के गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इसमें मलाई ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें देसी घी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो सूजी का डो बनना स्टार्ट हो चुका है, और इस समय मैं गैस की फ्लेम कर दूंगी ऑफ। तो इसे ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये देखिए, हमने प्लेट में निकाल लिया है, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसे, हम हल्का हल्का गर्म में ही इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का ये ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मसलते हुए इसको हम तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैं घी लगाती हूँ हाथ में। तो ये देखिए, इस तरह से कम 5 से 6 मिनट इसे हमें अच्छी तरह से मसलना है, ताकि जो सूजी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसकी हम लोइयां बनाते हैं। जितनी हमें जितना बड़ा गुलाब जामुन चाहिए उसके हिसाब से हम इसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे। और बिल्कुल हल्के हाथ से फ्रेंड्स इसे हमें बनाना है,
और इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स हो गए तो हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो फट जाएंगे। तो हल्के हाथ से ही हमें इसे बनाकर अच्छी तरह से इसको बॉल की शेप दे देंगे। तो मैं सभी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बॉल की शेप दे दी है ताकि हमारे गुलाब जामुन अब फ्राई होने के लिए तैयार हो गए। और मैंने कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी है, ऑयल उसमें डाल दिया है और अब हम इसे करेंगे फ्राई। ऑयल हमारा बिल्कुल ठीक है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक एक करके सभी बॉल्स इसमें मैं ऑयल में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया ये गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं और जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई मावा की ज़रूरत नहीं है, मिल्क मेड की ज़रूरत नहीं है, मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सूजी से और दूध से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसे जो स्पून है उसकी बैक साइड से इसको हल्का सा पुश करेंगे ताकि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो कटे नहीं। इस तरह से इनको चलाना है और चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर जब तक ना आ जाए इसे हम इसी तरह से पकाएंगे, फ्राई करेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, इसमें बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। आप इसे अगर थोड़ा डार्क कलर करना चाहते हैं तो इसे और फ्राई कर सकते हैं, बट मैं इसे ज़्यादा इसे और नहीं पकाऊंगी। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने गरम गरम चाशनी में इसे डाल दिया है, तो गरम गरम चाशनी में ही इसे हमें डालना है। और अब मैं इसे कम से कम आधा से एक घंटा के लिए रखूँगी ताकि चाशनी गुलाब जामुन में अच्छी तरह से सोख हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक घंटा पूरा हो चुका है और गुलाब जामुन हमारे फुलकर अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, गोलगप्पा बन चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हमारे गुलाब जामुन। ये देखिए कितने बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, और झटपट से बन गए हैं। ज़्यादा समय इसे नहीं लगता है, सिर्फ हमें इसे जो चाशनी में डालकर रखना है। अगर मीठा खाना है, गुलाब जामुन खाने हैं, तो थोड़ा तो सब्र हमें करना ही पड़ेगा। मुंह में तो पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और झटपट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।